हाँ जी दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे बैकग्राउंड को रिमूव करना। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो आपको ध्यान से देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और इसमें रिमूव बीजी टाइप करके सर्च कर लेंगे। तो ये जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आ रही है, इसी पर टैप करेंगे। इसके बाद आपको एक पॉलिसी शो होगी, तो इसको क्लोज कर देंगे। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो अपने को अपलोड इमेज पर टैप करना है और यहाँ से एक इमेज ले लेंगे जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होने लगेगा, इसके लिए आपका नेट फास्ट होना चाहिए। हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, बैकग्राउंड हो चुका है रिमूव। मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। तो ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर, ये बिल्कुल परफेक्ट रिमूव हो चुका है। ओके, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो ऐड बैकग्राउंड है, यहाँ से आप इस इमेज में कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। और ये ब्रश वाले आइकन से जो पार्ट हमारा रिमूव हो गया है या बच गया है, उसे ब्रश की हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इसकी सहायता से मतलब लोगो, थंबनेल वगैरह वगैरह बना सकते हैं। और शुरू के दो ऑप्शन आपको पता ही होंगे, इनसे हम इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड पर टैप करके इसको डाउनलोड कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।